तो रिसेंटली कुछ ही दिन पहले आदि पुरुष मूवी से एक म्यूजिक वीडियो आया जय श्री राम नाम का, एंड इस म्यूजिक को तुमने ऑलरेडी मोशन पोस्टर के साथ सुन रखा था, एंड इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो कि 2 मिनट 40 सेकंड का है वो रिलीज किया गया यूट्यूब पे, एंड इसी के साथ अपने को आदि पुरुष मूवी से बहुत सारी नई फुटेजेस देखने को मिली और बहुत सारे नए सीन देखने को मिले, एंड इसी में अपने को आदि पुरुष का एक न्यू लुक देखने को मिला। अब न्यू लुक तो नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी इसमें प्रभास का चेहरा पहले के पोस्टर और टीजर में से बहुत अलग लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए तुम ये दोनों इमेजेस देखो। सबसे पहले ये फोटो देखो, ये सबसे पहला पोस्टर था जो कि आदि पुरुष की मार्केटिंग टीम ने रिलीज किया था जब वो टीजर आया था उस टाइम पे। अब इस पोस्टर के अंदर तुम प्रभास के फेस को देखो, बहुत फेक लग रहा है और लग रहा है कि किसी न किसी सॉफ्टवेयर से इसको एनहांस करने की कोशिश करी गई है, एंड जबरदस्ती उनके फेस के साथ छेड़छाड़ की है जिस वजह से इनका फेस इतना आर्टिफिशियल और बेकार लग रहा है। एंड इस स्टिल को देखो जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसी जय श्रीराम वाले म्यूजिक वीडियो के अंदर से, तो तुम इसमें देख सकते हो कि बहुत नेचुरल सा लुक अपने को देखने को मिल रहा है प्रभास का, एंड ये बहुत हद तक सही भी लग रहा है। अब इस चीज को इग्नोर कर दो कि प्रभास श्रीराम के रोल में फिट बैठ रहे हैं या नहीं, तुम बस इन दोनों पोस्टर्स को मिलाओ और तुम मुझे खुद बताओ कि दोनों में से बेहतर कौन सा लग रहा है। ऑब्वियसली तुम्हें नेचुरल वाला ही बेहतर लगेगा, तो सवाल वही उठ के आता है कि मूवी के अंदर हमें कौन सा वर्जन देखने को मिलेगा, ये आर्टिफिशियल वाला या फिर ये नेचुरल वाला। अब इसका मोस्ट पॉसिबल आंसर मूवी के रीशूट्स हो सकते हैं, यानी कि इनिशियली जब पहली बार शूटिंग हुई रही होगी तो वो जितनी भी फुटेज निकल के आई थी पहली बार की शूटिंग में उसको एनहांस किया था और प्रभास के लुक को और बेहतर बनाने के लिए उस पर उन्होंने VFX वगैरह ऐड किया हो, जो कि रिजल्ट बहुत बेकार निकला हम लोगों ने देखा। एंड उसके बाद जब मूवी पोस्टपोन्ड हुई, अगर रीशूट्स हुए हैं तो शायद उस वाले पोर्शन को इन लोगों ने नेचुरल रखा है। स्टिल मूवी के अंदर तुम्हें दो वर्जन देखने को मिलेंगे प्रभास के। इसके अलावा इस म्यूजिक वीडियो को देख के मुझे थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, क्योंकि भाई देखो ओम राउत का भले ही कैसा भी टेक रहा हो इस मूवी को लेके, कैसा भी विजन रहा हो, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि उन्होंने इसे एक विजुअल स्पेक्टिकल बनाने की कोशिश करी है, एंड टीजर के अंदर भी अपने को 2-3 शॉट्स ऐसे देखने को मिले थे जहां पर आपको श्रीराम और जानकी एक बाग पर बैठे हुए दिखते हैं, वो वाला शॉट भी काफी तगड़ा लगता है, विजुअली काफी अपीलिंग लगता है। एंड वही इस म्यूजिक वीडियो के अंदर जब अपने को जानकी का एक शॉट दिखता है उस गुफा के अंदर से और एक बाहर से शॉट दिखता है, वो दोनों शॉट भी विजुअली काफी अपीलिंग लग रहे हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई इनने बहुत अच्छी अप्रोच रखी है विजुअली मूवी को बेहतर दिखाने के लिए, बट वही बात आ जाती है कि भाई आपका VFX आपके विजन को मैच नहीं कर पा रहा है, तो ओवरऑल आपका आउटकम जो है वो शायद उस लेवल का ना हो, उससे नीचे लेवल का हो। देखो इंडिया में ना ऐसी मूवीज बनती रहती है जिनका VFX बहुत बेकार रहता है। रिसेंटली में भोला मूवी रिलीज हुई, उसका VFX भी बहुत पैथेटिक था, मतलब वो बाइक वाला पूरा चीज सीन जो था, देखो देखने में सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट VFX के बाद जो भी आउटपुट निकला ना वो बहुत एवरेज था, जैसे एनिमेशन पूरा हिला हुआ था उस चीज का। पर आदि पुरुष इतना बड़ा मैटर क्यों है VFX के मामले में? देखो सबसे बड़ी बात ये कि आदि पुरुष ये जो मूवी बन रही है ये अपने रामायण के ऊपर बन रही है, तो देखो अपनी सेंटिमेंट जुड़ी हुई है इस मूवी से। एंड इसके अलावा इस मूवी के अंदर ऑलमोस्ट 650 से 700 करोड़ का बजट लग चुका है, और 700 करोड़ के लिए कितनी बड़ी बात होगी, मतलब 2 महीने का जितने भी यूट्यूबर्स है उनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम मारो और रेवेन्यू जनरेट करो, 700 करोड़ वापस बन के आ गया। अब देखो जो भी होना था ना इस मूवी के साथ वो ऑलमोस्ट हो चुका है, जितना चेंजेस करना था वो लोग कर चुके हैं, अब ज्यादा कुछ चेंज तो वैसे भी नहीं कर सकते थे, लाइटनिंग और छोटे मोटे VFX एरर्स को ठीक कर सकते थे। तुमको ये मूवी थिएटर में देखने या नहीं वो तुम डिसाइड करो, पर मेरे ओपिनियन में ये मूवी अर्निंग काफी अच्छा खासा कर लेगी। पता है क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये रामायण के ऊपर बन रही है, तो लोग देखो जाएंगे क्योंकि सेंटीमेंट से जुड़ी हुई है मूवी, एंड उसके अलावा प्रभास का फैन बेस बहुत तगड़ा है भाई। जैसे राधे श्याम को ये लो, काफी एवरेज और पैथेटिक सी मूवी थी, स्टिल 250 करोड़ की अर्निंग करके गई मूवी वो, तो समझ लो प्रभास के फैन बेस को आप मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो प्रभास का फैन बेस इतना तगड़ा है कि पिक्चर कैसी भी हो वो 200 से 250 करोड़ आराम से दिलाएगी। एंड बाकी जो रामायण के ऊपर बना रहे हैं उसका भी फायदा होगा इन लोगों को, और मूवी इवेंचुअली 400 करोड़ तक कमा सकती है। हाँ 700 करोड़ बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि इतना बड़ा बजट रिकवर करने के लिए उस लेवल की मूवी भी आपको बनानी होगी, बट स्टिल देखते हैं मूवी के अंदर क्या निकल के आएगा। मूवी 16 जून को रिलीज होने वाली है, तुमको रिव्यू मिल जाएगा इस चैनल पे अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो, ताकि तुम्हारा पैसा वेस्ट ना, मतलब मैं पहले अपना पैसा लगा के जाऊंगा पिक्चर देखने फिर तुम्हें रिव्यू दूंगा, ताकि तुम्हारे पैसे वेस्ट ना हो थिएटर में जाने के बाद। एनीवेज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो अपने इंडियन सिनेमा से रिलेटेड तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।